हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू जॉब वीडियो। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पर्यटन निदेशालय में भर्ती निकली है जो आउटसोर्सिंग के जरिए भरी जाएगी। दोस्तों, यह भर्ती संविदा बेस पे है, जिसमें दोस्तों प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रणाली के से अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से निदेशक पर्यटन निदेशालय उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन निकट ONGC हेलीपैड निम्बूवाला गढ़ी केंद्र देहरादून 248001 के पते पर दिनांक 30 दिसंबर 2023 तक शाम के 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। उक्त पदे हेतु निर्धारित पृथक पृथक आवेदन पत्र, जिस पर पद के हेतु आवेदन किया जाना है, संबंधी आवेदन के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड अथवा टंकित करवाकर किया जा सकता है। संबंधित क्रमिक का कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में किसी भी समय प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर दी जाएगी। नंबर 4, विज्ञापित पदों की संख्या विभागीय आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित निर्गत प्रतिनियुक्ति संबंधी शासनादेश उक्त प्रतिनियुक्ति पर प्रभावी होंगे। और नंबर 5, पर्यटन निदेशालय के पास प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना को बिना किसी कारण के रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। निदेशालय निदेशक पर्यटन निदेशालय उत्तराखंड। भर्ती के लिए दोस्तों निम्नलिखित शर्तें होंगी, जिसमें नंबर 1, विज्ञापित पद पर चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। नंबर 2, आवेदक को समस्त शैक्षिकीय अर्हता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा लंबित योजना योजित न होने पर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभागीय विजिलेंस जांच लंबित या प्रचलित न होने का प्रमाण पत्र तथा पिछले 5 वर्ष की चरित्र प्रविष्टियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। नंबर 3, संबंधित कर्मी को तैनात स्थल पर साक्षात्कार कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति कर्मियों को शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृति देय महंगाई एवं अन्य भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे। दोस्तों, 4 धाम यात्रा प्रबंधन एवं पर्यटन संगठन के स्थायी कार्यालय ऋषिकेश के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को वर्णित पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 30 दिसंबर 2023 शाम के 5 बजे तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, जिसमें दोस्तों पद का नाम है नंबर 1 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पद की संख्या 1। यह भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी। दूसरा है दोस्तों यात्रा प्रबंधक पद गंगोत्री, यमुनोत्री पद बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और केदारनाथ। तीसरा पद है दोस्तों सहायक लेखाकार का। पद सहायक लेखाकार के लिए दोस्तों विद्यमान होगा 29,200 से 92,300 और इसके लिए योग्यता में दोस्तों विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। नंबर 2, सरकारी अर्ध सरकारी अधिष्ठानों के वेतन लेवल में कार्यरत कर्मी को। और नंबर 3, राज्य केंद्र सरकार या निगम में कनिष्ठ लेखा लिपिक या सहायक लेखाकार के पद पर 3 वर्षों का कार्य अनुभव हो। और पद नंबर 2 दोस्तों यात्रा प्रबंधक गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब के लिए वेतनमान है 29,200 से 92,300। यह भी भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर है और योग्यता में दोस्तों इसमें भी ग्रेजुएशन हो नंबर 1। नंबर 2, सरकारी अर्ध सरकारी अधिष्ठानों में वेतन 5 में कार्यरत कर्मी हो। नंबर 3, शासकीय अर्धशासकीय पर्यटन विभाग में अथवा निगम धर्मस्थ पर्यटन समितियों के 4 धाम यात्रा क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। और पहला पद दोस्तों तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके लिए भी दोस्तों प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती होगी। इसके लिए योग्यता में ऐसे तहसीलदार जिनके यहाँ
ऐसे नायब तहसीलदार जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने का या बात करने का ज्ञान होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों पर्यटन की वेबसाइट उत्तराखंड पर्यटन निदेशालय की वेबसाइट में देखें। धन्यवाद दोस्तों, और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।